महल अपने जमाने की सबसे ज्यादा शानदार इमारत, उस नामवर राजपूत खानदान की यादगार जिसकी शराफत और वजेदारी को जमाने की गर्दिशें, गुर्बत की ठोकरें और वक्त का तकाजा भी जेर न कर सका। और ये है इस खूबसूरत इमारत का नन्हा और प्यारा नमूना, जिसे हर सालगृह के दिन दूध से नहलाकर खानदानी रस्म की याद ताजा की जाती है। बुजुर्गों के कायम किए हुए रस्म और रिवाज की पाबंदी इस खानदान की घुट्टी में पड़ी हुई है। जमाना गुजर गया, दुनिया के बदलते हुए रंग के साथ लोगों की तबीयतें बदली, मजाक बदला, रस्म और रिवाज बदले, मगर इनके अज़्म, इरादे और इस्तकलाल में जरा भी फर्क नहीं आया। ये जो पहले थे वही अब भी हैं। ये आज भी शीश महल के बानी ठाकुर विजय सिंह के कदम ब कदम चलना पाई से फख्र समझते हैं। आपके बाद ठाकुर जसवंत सिंह ने अपने बाप की जिंदगी को अपनाया और फिर आपकी शरीफाना खूबियों का यह वर्षा खून की शक्ल में गर्दिश करता हुआ ठाकुर करम सिंह की रगों में पहुंचा। और आज वही खून अपनी पूरी आबोताब के साथ शीश महल के मौजूदा मालिक ठाकुर जसपाल सिंह की रगों में दौड़ रहा है। खानदानी उसूलों पर कायम रहकर अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलना, यही आपकी जिंदगी का भी मकसद है। और उसे पूरा करने के लिए जान माल की बाजी लगा देना आपके लिए एक मामूली बात है। चुनाचे आज भी रस्म सालग्रह उसी धूम से मनाई जा रही है जिस तरह आपके बुजुर्ग मनाते थे। लेकिन आपके बेटे ठाकुर बलराम सिंह के ख्यालात आपसे मुख्तलिफ हैं। न जाने पिताजी की ये फिजूल खर्चियां हमें क्या अंजाम दिखाएंगी। बाजी भी आपने हार दी सरकार। तो क्या हुआ, एक और सही चोबे जी। बाजी हार देने का नाम हार नहीं होता, हिम्मत हार बैठने का नाम हार होता है। भगवान बनाए रखे, क्या बात कह दिया सरकार। अब संभल जाइए चोबे जी। क्या बात है, आज हमारा पासा ही सीधा नहीं पड़ता, कुछ उल्टा मंत्र तो नहीं पढ़ रहे हैं आप। सरकार आज ज्योतिषी को सितारा दिखाकर घर से बाहर कदम रखा है। अच्छा, तो कोई खास काम था कहीं जी? सरकार ही से एक बात अर्ज करनी थी, अगर इजाजत हो तो। जरूर जरूर। महाजन ने आपके लिए एक संदेशा भेजा है। कहिए। उनका ख्याल है कि सरकार उन्हें अपने खानदान में शरीक कर ले। क्या कहा जी? जी वो ये चाहते हैं कि छोटी कुमारी जी के साथ उनके लड़के की सगाई। चोबे जी, ये आपने हमें महाजन का संदेशा सुनाया, ये हमारी रगों में अंगारे भर दिए। क्षमा चाहता हूँ सरकार। उस महाजन को ऐसी हवा लग गई कि वो अपनी औकात को भी भूल गया। कौड़ी कौड़ी जोड़कर रुपए वाला बन गया तो हाथियों से गन्ने खाने लगा, हमसे बराबरी का दावा करने लगा। लेकिन सरकार आपने जो उससे रुपया कर्ज लिया। हमने उससे रुपया कर्ज जरूर लिया है, उसका सूद दर सूद मुनाफा भी दे रहे हैं हम। शीश महल गिरवी रखा है, अपने बाप दादा की इज्जत रहे नहीं रखी है कि दौलत के साथ अपनी बेटी का ब्याह कर दे हम। शराफती हमारे खानदान की अनमोल पूंजी है। ठाकुर जसपाल सिंह के खानदान में वही शरीक हो सकता है जिसकी रगों में शरीफ खून हो। भगवान बनाए रखे, क्या बात कह दी है सरकार ने। मुझे आपकी बातें सुनकर स्वर्गवासी बड़े सरकार याद आ जाते हैं। सरकार, रानी जी ने भोजन लौटा दिया। भोजन लौटा दिया, क्यों? बड़ी रानी की चिट्ठी आई है। पिताजी की जिद ने
दीदी का जीवन बर्बाद कर ही दिया। क्या बात है बेटी, आज सावन भादों की झड़ियां क्यों बरसने लगी? पिताजी, नलनी दीदी की चिट्ठी आई है, कुंवर भैया बीमार हैं, बड़ी मुसीबत में दिन कट रहे हैं दीदी के। ये बात तुम उसी दिन जान चुका था जिस दिन पिताजी ने कुंवर भैया के साथ नलिनी दीदी की सगाई की थी। कुछ बुरा तो नहीं किया हमने, लेकिन इसे अच्छा भी तो नहीं कह सकते पिताजी। ये जानने पर भी कि कुंवर भैया गरीब हैं, आपने नलिनी दीदी का हाथ उनके हाथ में दे दिया। चांद में दाग होने पर भी चांद को कोई बदसूरत नहीं कहता बलराम, गरीबी कोई पाप नहीं है। तुम ही बताओ, क्या नलिनी का पति ऊंचे राजपूत खानदान से नहीं है? क्या उसकी रगों में शरीफ खून नहीं है? इस बात की तुम हमसे कभी उम्मीद न रखो बलराम, कि हम खानदानी लाज का हाथ किसी ऐसे के हाथ में दे दें जिसमें शराफत की कमी हो। तुम आज ही जाकर नलिनी और उसके पति को ले आओ, दिवाली आ रही है, अब के दिवाली का त्योहार हम सब साथ ही मनाएंगे। और सुनो, मिश्रानी से कहो थाल ले आए, आज अपनी बेटी को हम अपने हाथ से भोजन कराएंगे। पिताजी, तुम्हारी बातों ने मेरा खाना पीना दूभर कर दिया। चौबे जी, साफ साफ कहो और क्या क्या कहा है उन्होंने? अजी सरकार, कुछ ना पूछिए, अभी आपका संदेशा खत्म भी नहीं करने पाया था कि ओले बरसने लगे, बारूद की तरह भड़क उठे और लगे अपने खानदान का डंका पीटने। शायद उन्हें ये मालूम नहीं कि हमारी दौलत के बल पर ही उनके डंके की आवाज सुनाई दे रही है। बस भरम ही भरम है, ढोल का खोल ही रह गया है, मांग कर ओढ़ा हुआ दुशाला किसी न किसी दिन भांडा फोड़ ही देगा। सच पूछो तो शीशमैल ने उनका दिमाग खराब कर रखा, वो तो अपने सामने किसी की कुछ हकीकत ही नहीं समझते। चूंटी जब तक पैर तले नहीं आती बहुत बलबलाती है चौबे जी। क्या बात कह दी है, सरकार ने भगवान बनाए रखे। हम तो पुराने मेल जोल की वजह से अब तक चुप थे चौबे जी, अब हम वो बांसी न रखेंगे जिससे कि बांसुरी बजेगी, डिग्री तो हो ही चुकी है, अब कहां जाएंगे बचकर। प्यारे लाल, वकील साहब से कह दो कि जल्द आकर हमसे मिले, बहुत जरूरी काम है। ये बात हुई सरकार, भगवान बनाए रखे। दीदी, मेरी अच्छी दीदी, तुम आ गई, तुम्हारे देखने को तड़प रही थी मैं, अब तो खुश हो ना? खुश, बहुत खुश। आओ दीदी। ओहो, हमारा चांद राजा भी आ गया, आओ भाई आओ, मेरा नन्ना मुन्ना भोला राजा। नमस्ते पिताजी। जीते रहो बेटा, कुशल से तो हो? जी हाँ पिताजी। और ये कौन, चंद्र कुमार? आहा, तुम भी आ गए बेटा, आओ, तुम्हारे तो ठाठी निराले हैं, जरा इसके तेवर तो देखो रंजना, क्यों ना हो, ठाकुर जसपाल सिंह का ही तो नवासा है। और हाँ, कुंवर जी नहीं आए? क्यों कराते, आप तो जानते ही उनकी हालत, और फिर आजकल तो बहुत ही कमजोर हो गए हैं, तबीयत दिन ब दिन गिरती ही जा रही है। इलाज किसका कर रहे हैं? अब मैं आपसे क्या बताऊं पिताजी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, तुम नहा धोकर कपड़े वगैरह बदलो, हम आज ही कुंवर साहब को तार देकर बुलवाए लेते हैं, साल भर के बाद दिवाली आ रही है, साल भर के बाद सारा खानदान इकट्ठा होगा। आप लोगों ने तो बेकार ही तकलीफ उठाई, दिवाली का चंदा हर साल की तरह मिल जाता आपको। जी ये तीन आदमी तो नई संताओं की तरफ से चंदा मांगने आए हैं। मैं अहिल्या वृद्धाश्रम की तरफ से आया हूँ। मैं अनाथ बालक संस्था का सेक्रेटरी हूँ। मैं महावीर सेवा समिति की ओर से आया हूँ। और मुझे तो जानते ही होंगे आप। जी अजी, श्री राम पाठशाला की इमारत जो ठाकुर साहब ने बनाई है उसका चालक हूँ मैं। अच्छा, तो राम प्रसाद जी आप? जी। अब तो आप पहचाने भी नहीं जाते, जब पहले पहले आए थे आप तो बहुत ही दुबले थे, लेकिन चंदे के धंधे ने काफी असर किया है आप पर। मगर अब भी तुलने में वजन उतना ही निकलता है, जरा बादी से फूल गया हूँ। जी, मगर ये तो बताइए अब क्यों आए हैं आप? जरा ठाकुर साहब से कुछ और दरख्वास्त करनी है। मगर अफसोस तो ये है कि इस वक्त वो किसी से मिल ना सकेंगे, आज वो बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। मगर हमने तो यही सुना है कि हजार काम हो लेकिन दया धर्म की पुकार सुनकर ठाकुर साहब दौड़े हुए आते हैं। जरा आप उन्हें खबर तो कर दीजिए। कोई फायदा ना होगा। अच्छा, नमस्ते।
खैर आपकी मर्जी नहीं है तो जाते हैं, मगर आज तक हम लोग ठाकुर साहब के घर से निराश नहीं लौटे हैं। भगवान ने चाहा तो आज भी निराश नहीं लौटोगे। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते। कहिए राम प्रसाद जी, पाठशाला की इमारत तैयार हो गई? जी आपकी दया से सब काम पूरा हो चुका है, सिर्फ 2000 के फर्नीचर की जरूरत है, और सरकार ये सब नई संस्थान की ओर से आपकी सेवा में पधारे हैं। कोई बात नहीं मुनीम जी, पाठशाला के लिए फर्नीचर का इंतजाम कर दो और इन सब की जरूरतें भी पूरी कर दो। जी बहुत अच्छा, आप लोग कल आकर मुझसे मिलिए। जी जी अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। मगर सरकार कुछ ख्याल तो कीजिए, इन सब बातों के लिए रुपए कहाँ से आएंगे? जहाँ से हमेशा आया करते हैं मुनीम जी, आस लेकर आने वाले को निराश नहीं लौटाया करते। अरे जहाँ लाख वहाँ सवा लाख। यहाँ तो लाखों की बातें हो रही हैं और वहाँ पाई पाई के लिए दूसरों का मुंह देखना पड़ता है मुझे। पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को रोटी नहीं, बच्चा जरा जरा सी चीज को तरसता है। उस पर चंद्र कुमार के पिता की बीमारी, अब मैं तुमसे कैसे कहूँ बलराम कि पिताजी ने मुझे किस नर्क में झोंक दिया है। पिताजी के दान दया के हाथों जो विपता इस घर पर पड़ी है उसे सुनूंगी तो कलेजा पकड़ के रह जाओगी दीदी। क्यों, ऐसा क्या हुआ? महाजन पर विश्वास करके पिताजी ने उसे साले से डिग्री कर दी और अब सुना है कि उसने शीश महल कुर्क करा लिया है। शीश महल कुर्क करा लिया? इतना ही नहीं, मुनीम जी कहते हैं कि अब नीलाम रुक नहीं सकता। नीलाम? इस पर भी तो पिताजी के कानों पर जू नहीं रेंगती, वो जैसे पहले थे वैसे अब भी हैं। हमेशा की तरह दिवाली की धूमधाम पर अब भी पानी की तरह रुपया बहाने पर तुले हुए हैं। ये क्यों? खानदानी रस्म और रिवाज में फर्क ना आ जाएगा? काश ये सब बातें कोई पिताजी से कह सकता। पिताजी बुरा ना मानिए तो। हाँ हाँ बेटी कहो क्या बात है। अगर अब के दिवाली धूमधाम से ना मनाई जाए तो कोई हर्ज है? क्यों? जब वक्त अच्छा था तो बहुत कुछ किया आपने, और अब क्या हो गया है? सुना है कि महाजन शीश महल के नीलाम की फिक्र में है। नीलाम की फिक्र में है? और अपील जो कर दी है हमने। मुनीम जी कहते थे कि वकील साहब कहते हैं। मुनीम जी कहते थे कि वकील साहब कहते हैं, और हम जो कहते हैं कि मुकदमा हम ही जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। फर्ज कीजिए अगर हार गए तो? हार जीत तो भगवान के बस में है बेटा, लेकिन ये तो कोई ना कहेगा कि झूठे को उसके घर तक नहीं पहुंचाया। अभी मेरे ब्याह का कर्ज नहीं उतरा, उस पर भगवान की दया से अभी दो दो बोझ सिर पर और बाकी हैं। अगर यही हाल रहा तो बलराम को लड़की कौन देगा और रंजना को बहू कौन बनाएगा? जो ठाकुर जसपाल सिंह के खानदान को जानता होगा। दौलत न होगी तो खानदान को कौन पूछेगा? जिसकी निगाहों में दौलत से ज्यादा खानदान की इज्जत होगी। इसी खानदानी शराफत के वहम ने मेरा जीवन तो बर्बाद कर ही दिया, अब इन दोनों को तो बर्बादी से बचाइए। ये तुमने क्या कहा नलिनी, हमारे जीते जी तुम लोगों को इन बातों की चिंता न होनी चाहिए। हम जो कुछ कर रहे हैं सोच समझ कर ही कर रहे हैं, लेकिन याद रखो हमसे वो काम हरगिज न होगा जिससे खानदान के माथे पर कलंक का टीका लगे। खानदान के माथे कलंक का टीका तो उसी दिन लग चुका जिस दिन शीश महल गिरवी हो गया था। अब सिर्फ इतना बाकी है कि नीलाम का ढंडोरा पिटे और शहर भर में मशहूर हो कि ठाकुर साहब दिवालिये हो गए। तो बड़ा ही बदतमीज है। पिताजी अगर सच बोलना बदतमीजी और गुस्ताखी में दाखिल है तो मैं चुप रहूंगा, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि अगर आपको अपनी जिद के आगे हम लोगों का पास नहीं है तो अपने बुढ़ापे का तो ख्याल कीजिए। शीश महल को हाथों से जाते देखा तो तुम सब इन बातों पर उतर आए? आप भोजन तो कर लीजिए पिताजी। मुझे जहर क्यों नहीं खिला रहे? नाम इज्जत है, ये नहीं जानते कि खानदान की इज्जत अगर एक बार चली गई तो फिर लाखों में हाथ नहीं आती। अभी उनकी उम्र ही क्या है सरकार, बच्चे ही तो हैं, भला वो आपकी बातों को क्या समझे। बच्चे ही तो हैं। आप तो यूं ही बिगड़ बैठे पिताजी,
माया भागन पराया धन, मैं आपकी बातों में मीनमेख निकालने वाली कौन होती हूँ। मेरे नसीब में जो कुछ था वो मैं ले चुकी। बलराम और रंजना का ध्यान आता है। बलराम को आपने कुछ ऐसा पढ़ाया लिखाया भी नहीं कि कोई अच्छी सी नौकरी करके चार पैसे ही कमा ले। और रंजना की शादी भी आपने ऐसी जगह तय की है कि अगर वो सोने में लत करना गई तो कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखेगा। अमीरी और गरीबी तो जीवन की धूप छांव का नाम है बेटा। तुम्हें जिस बात का डर है उसे मैं भी जानता हूं। जमीन बिक जाएगी, शीश महल नीलाम हो जाएगा, लेकिन ये तो कोई नहीं कहेगा कि ठाकुर जसपाल सिंह अपनी आन से गिर गया। आन हिस्से इंसान है बेटा, और यूं तो दर दर की ठोकरें खाने वालों कुत्तों को भी रोटी का टुकड़ा मिल ही जाता है। सरकार, सरकार! क्या बात है मुनीम जी? सरकार, कहूं तो मुश्किल, ना कहूं तो मुश्किल। कहो, तुम्हारे चेहरे की परेशानी दिखा रही है कि जरूर कोई खास बात है। जी, वो महाजन मिला था और कह रहा था कि इस साल ठाकुर साहब शीश महल में दिवाली नहीं मना सकते। शीश महल में दिवाली नहीं मना सकते, तो अब कितने हौसले बढ़ गए हैं उसके। आप ही ने तो उसके हौसले बढ़ाए हैं पिताजी। हमने उस पर अपना समझकर भरोसा किया था, मगर अब वो बेईमानी पर उतर आया है तो कोई बात नहीं। मुनीम जी, दिवाली का सब इंतजाम उसी तरह हो जिस तरह हमेशा हुआ करता है। मगर कुछ सोचिए तो पिताजी, आप इस तरह कब तक घर फूंक कर तमाशा देखा करेंगे? घर फूंक कर तमाशा न देखा तो तमाशा ही क्या देखा। दिवाली पर शीश महल में दीपमाला होगी और उतने ही दिए जलेंगे बलराम जितने तुम्हारे बाप दादा के वक्त से जलते आए हैं। भगवान बनाए रखे, आज तो दूल्हा बने हैं आप। और जरा इन मूछों को तो देखिए चौबे जी, महाजन ने एड़ी चोटी का जोर लगाया मगर शीश महल में दिवाली होकर ही रही। इन कागजात को क्या ले आए हो? पानी की तरह रुपया खर्च करने के बाद भी शीश महल दिवाली से पहले नीलाम ना हो सका तो फिर बात ही क्या रही? सब काम हो चुका था, सिर्फ नीलाम का हुक्म लेना बाकी था कि दिवाली की छुट्टियां आ गईं। अदालत खुलते ही पहला काम यही होगा। ये तो बात की बात थी प्यारे लाल, इसका मजा तो जब था कि ये घूंसा दिवाली से पहले ही पहले उस अभिमानी ठाकुर के सीने पर लगता। जाओ, तुमसे कुछ ना हो सका। Thank you.
मुनिम जी, कानपुर से तार आया है, कुंवर जी का देहांत हो गया। ओ भगवान। बेटा अपनी दीदी को संभालो, रोशनी बंद कर दो। नीलम की नोटिस पड़ी, लिखा है शीश महल का नीलम होने वाला है। ये देखिए, ऐसी शानदार इमारत का पब्लिक नीलम, कितनी खुशी की बात। शानदार इमारत, मैं तो कहता हूँ शहर भर में इससे बेहतर इमारत कोई नहीं। डैडी, तो फिर आप ले लीजिए ना, नीलम है, सस्ते में मिल जाएगी। तू तो पगली है बेटी, इतना बड़ा महल लेकर हम क्या करेंगे। ओ मम्मी, इसमें छोटे बड़े का क्या सवाल है। मेरे अच्छे डैडी, प्लीज ले लीजिए ना शीश महल। अच्छा अच्छा, देखा जाएगा, नीलाम तो होने दो। मेरे डैडी। देखना है कौन है वो खुशनसीब शख्स जो इस शहर की सबसे ज्यादा खूबसूरत
और शानदार इमारत शीश महल का मालिक बनता है। बोली दीजिए, कहिए। बोलिए ना डैडी, बोली दीजिए ना। ऐसा मौका बार बार नहीं आता, कहिए। एक लाख। एक लाख, बड़ी हिम्मत की आपने, ये तो शीश महल बनाने की मजदूरी भी ना हुई। दो लाख। दो लाख, ये बात लाखों से बढ़िए, ताकि नीलाम करने वाला भी समझे कि वो शीश महल का नीलाम कर रहा है। ढाई लाख। ढाई लाख, शीश महल का फर्श भी इससे ज्यादा कीमती है। हिम्मत कीजिए, लाखों की दौलत मिनटों में कमा सकते हैं आप, मगर जिंदगी भर ऐसा शीश महल नहीं बना सकते। तीन लाख। साढ़े तीन लाख। साढ़े तीन लाख। साढ़े तीन लाख, हाथी मरे भी तो सवा लाख का, अभी तो इसके दरो दीवार की भी कीमत नहीं हुई। दस लाख भी दाम कम है इसके। साढ़े तीन लाख। साढ़े तीन लाख। चार लाख। चार लाख, ये बात, चार लाख कौड़ियों के मोल जा रहा है। चार लाख, बड़ी बोली है कोई बढ़ने वाला। सात लाख। सात लाख, ये बात, शाबाश, सात लाख, हिम्मत कीजिए और बढ़िए। सात लाख एक, सात लाख दो, है कोई और बढ़ने वाला? नहीं, अच्छा तो सात लाख तीन। महल छूटने का तुम्हें इतना गम है बेटी? नहीं पिताजी, औलाद को जो सुख माँ बाप की गोद में होता है वो भला शीश महल में कहाँ। खुश रहो, चलो।
शीश महल तुझे आखिरी प्रणाम। हसरत तो ये थी कि ठाकुर की अर्थी इस फाटक से बाहर निकलते, लेकिन मजबूरियां जिंदा निकाल रही हैं। अपनी कामयाबी पर फूली नहीं समाती है और हम अपनी नाकामी कभी नहीं भूलते। कठिन से कठिन घड़ी भी हमारे इरादों में लचक नहीं पैदा कर सकती। मुनीम जी, ये तो ठीक है सरकार, आप सब कुछ सह सकते हैं, मगर नाजो नेमत में पले हुए बच्चे कांटों की चुभन कैसे बर्दाश्त करेंगे। शेर के बच्चे शेर ही हुआ करते हैं मुनीम जी, मजाल है कि दुखों की तकलीफ से उनके माथों पर बल पड़ जाए। भगवान बनाए रखे, क्या बात कह दी है सरकार ने। आइए आइए चौबे जी। सरकार तशरीफ रखिए। अच्छा, अब मुझे इजाजत है? कभी कभी आ जाया करना मुनीम जी। ये आप क्या फरमा रहे हैं सरकार, आप आधी रात को भी मुझे बुला सकते हैं। नमस्कार। कहिए चौबे जी, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए आप? यूं ही सरकार, मैंने कहा इस गिरी पड़ी हवेली में आपको देखकर बड़ा दुख हो रहा है मुझे। इसमें दुख की क्या बात है चौबे जी, आसमान अगर झुककर जमीन से आ मिले तो कोई उसे जमीन नहीं समझता। क्या बात कह दी है सरकार ने, भगवान बनाए रखे, मगर इसे क्या कीजिएगा हुजूर कि जमीन पर बिछे हुए आसमान को कोई आसमान नहीं कहता। तुम्हारा मतलब क्या है चौबे जी? मेरा मतलब सरकार ठाकुर सुंदरमुख से है। ठाकुर सुंदरमुख? जी हाँ, ठाकुर सुंदरमुख, जो कल तक दूल्हा बनकर शीश महल की चौखट पर आने की आरजू में जी रहे थे, आज छोटी कुमारी जी की सगाई से इनकार कर रहे हैं। रंजना की सगाई से इनकार कर रहे हैं? ये तुम क्या कह रहे हो चौबे जी? मैं सच कह रहा हूँ सरकार, बल्कि उन्होंने ये भी संदेशा भेजा है कि छोटी कुमारी जी का वर आप कहीं और तलाश कर ले। मगर क्यों? वो कहते हैं उन्होंने अपनी सगाई उस ठाकुर जसपाल सिंह की बेटी से की थी जो शीश महल का मालिक था। जिससे मैं वचन का पक्का, बात का धनी और शरीफ खानदान का समझता था, वो कैसे बदल गया? जमाने की हवा अच्छी अच्छों को बदल देती है सरकार। बात पर भरोसा नहीं होता, सूरज से गर्मी और चांद से ठंडक कभी नहीं जा सकती। हम अभी जाकर उनसे पूछते हैं। भगवान बनाए रखे, रुक जाइए सरकार। अच्छी तरह निशाना ठीक कर लो सुंदरमुख। ठाकुर साहेब, आज कहाँ आ गए आप? हम ये देखने आए हैं कि कहीं तुम्हारी ना तजुर्बेकारी ने किसी ऐसी चीज को तो निशाना नहीं बना दिया जो अनमोल है। मुझे ना तजुर्बेकार ना समझिए ठाकुर साहेब। हम तुम्हें ना तजुर्बेकार हरगिज नहीं समझते, अगर तुमने जो संदेश चौबे जी के हाथ भेजा था वो न भेजा होता। अच्छा, तो ये बात है, मगर इसे तो मेरी अकलमंदी समझिए ठाकुर साहेब। अकलमंदी नहीं, बल्कि एक ऐसी नादानी सुंदरमुख, जो सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि तुम्हारे खानदान की भी हंसी उड़ा सकती है। हंसी? हंसी तो उड़ चुकी ठाकुर साहेब, और इतनी उड़ी कि अब किसी से आंख मिलाकर बात भी नहीं कर सकते आप। बुरा ना मानिए ठाकुर साहेब, लेकिन शराफत की ये बातें और खानदानी आन की ये डींगे उसी वक्त तक फली मालूम होती थी जब तक आप शीश महल के मालिक थे। अब तो शीश महल नीलाम हो चुका। हमें इस बात का अफसोस नहीं कि शीश महल नीलाम हो चुका, इस बात का भी गम नहीं हमें कि मंगनी टूट जाने के बाद मेरी बेटी तमाम उम्र कुंवारी बैठी रहेगी। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि जिसका बाप असली राजपूत, मां राजपुतानी, उसके घर तुम्हारे जैसा कलंक लगाने वाला बेटा क्यों कर पैदा हुआ। अब इन बातों में क्या रखा है ठाकुर साहेब, जाइए आप अपने कीचड़ में धसे हुए मोती के लिए कोई और घर तलाश कीजिए। मैं आप जैसे गरीब की लड़की के साथ हरगिज शादी नहीं कर सकता। आज तुमने हमारे विश्वास को जबरदस्त धक्का पहुंचाया सुंदरमुख,
तुम में अपनी खानदानी शराफत का वो जौहर ही नहीं जिसे देखकर हमने सगाई की थी, और आप में भी शीश महल की अब वो शान ही नहीं जिसे देखकर मैंने सगाई कबूल की थी। अगर शीश महल को देखकर ही तुमने सगाई की थी तो जाओ, शीश महल की दीवारें अब भी मौजूद हैं, उनसे ब्याह कर लो। जरा एक नजर देख तो लीजिए सरकार, रूपा रानी के लिए इससे अच्छा वर कहां मिल सकता है। भगवान बनाए रखे रंग रूप इज्जत दौलत हर बात में अपना जवाब नहीं रखते। बात तो ठीक कहते हो चौबे जी, लेकिन आपको शायद मालूम नहीं कि रूपा का रिश्ता मैं एक अपने दोस्त के यहाँ पक्का कर चुका हूँ। कर चुके हैं? जी हाँ। भगवान बनाए रखे। आप है रूपा रानी? भगवान बनाए रखे सरकार, जैसी चांद सी दुल्हन वैसा चांद सा दूल्हा। क्या फरमाया आपने? मैंने कहा सरकार, भगवान बनाए रखे जैसी चांद सी दुल्हन वैसा चांद सा दूल्हा। भगवान बनाए रखे, तस्वीर तो बड़ी खूबसूरत है। चलिए ना डैडी, रेस का वक्त हो गया। तुम चलकर मोटर में बैठो, मैं आता हूँ। मगर देखिए डैडी, देर ना कीजिएगा, रेस और मौत किसी का इंतजार नहीं करती। बस तो सरकार, अब तो बात ठहरी जाए तो अच्छा है। भगवान बनाए रखे, महलों में रहने वालों के लिए महल चाहिए। लेकिन ये ना भूलिए चौबे जी, रूपा एक मजदूर की बेटी है। तो क्या हुआ, मुकद्दर तो शहाना लाई है। अब इन्हीं को देख लीजिए सरकार, कल तक ये ठाकुर जसपाल सिंह की बेटी का रिश्ता मांग रहे थे, लेकिन जैसे ही उनके हाथ से शीश महल निकला, इन्होंने वो रिश्ता भी तोड़ दिया। हाँ भाई, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, इन्हें हम गरीब क्या समझे। अच्छा माफ कीजिएगा। नमस्ते। नमस्ते। चलिए ना डैडी। आई एम सॉरी डार्लिंग। चलो ड्राइवर जल्दी करो। भगवान बनाए रखे अपने मुकद्दर को, कहीं भी अपना ठिकाना नहीं जमाने में, ना आशियाने से बाहर ना आशियाने में। किसकी शक्ल देखी थी आपने? आपकी नहीं।
अगर तकलीफ ना हो तो मेरे टिकट भी कैश करवा दीजिए। श्योर। मैं आपको वहां मिलूंगी। जी चलिए साहब। वाह दोस्त सुंदर, आज मान गए, हो किस्मत के धनी। जब हाथ मारा तब बड़े ही घर पर। क्या मतलब? ओहो, जैसे बेचारे जानते नहीं कि वो लड़की कौन है। कौन है? अम्मा बहुत बड़े घर की लड़की है, इसके पिता का नाम शेख दुर्गा प्रसाद है जिसने शीश महल खरीदा है। तब तो तुम्हारी दावत पक्की, और वो भी शीश महल में। आइंदा चलकर हम ही शीश महल के मालिक बनने वाले हैं। मगर जरा संभल कर, उड़ती हुई चिड़िया है। मैं भी पुराना चिड़ी मार हूँ, पर कतरना खूब जानता हूँ। मैंने आपको कहीं देखा है मगर पहचान नहीं सकती। ये लीजिए 50। आप बड़ी खुशकिस्मत है, सब टिकट विन। ये तो घोड़ा पहचानने की बात होती। जी हाँ, घोड़े को तो आप खूब पहचान लेती, लेकिन इंसान को नहीं पहचानते। वो कैसे? अभी अभी तो आपने कहा था कि आपने मुझे कहीं देखा है, लेकिन फिर भी नहीं पहचान सकी। ओह, अब याद आया, जैसी जान सी दुल्हन वैसा चांद सा दुल्हा। मगर डैडी कहाँ गए? मालूम होता है डैडी कहीं खो गए। डैडी, डैडी। जी नहीं। कहिए, मिल गए डैडी? पता नहीं कहाँ चले गए। तो आइए मैं घर छोड़ा हूँ। और डैडी? वो कोई बच्चा तो है नहीं, अपने आप घर चले जाएंगे। और मैं आपको कोई बच्ची दिखाई देती हूँ जो घर तक ना पहुँच सकूँ? हमारी गाड़ी जो खड़ी है। इसे डैडी के लिए रहने दीजिए, आइए। कहाँ जाएंगी आप? जहाँ आप पहुँचा दें। बहुत अच्छे, मैं तो ये चाहता हूँ कि आपको आसमान पर ले जाकर चांद के सामने बिठा दूँ कि वो भी शर्मा जाए। ओहो, इतनी बुलंदी पर अगर मैं आसमान से गिर पड़ी तो मैं आपको उठा लूंगा। नहीं नहीं, आपको तकलीफ होगी, इसीलिए मुझे तो आप जमीन पर ही रहने दीजिए और शीश महल तक पहुँचा दीजिए। शीश महल? तो आप ही हैं रूपा देवी? जी हाँ। आपने हमारी तस्वीर तो जरूर देखी होगी। हाँ देखी तो थी। कहिए कुछ पसंद आई? बिल्कुल नहीं। यानी बहुत पसंद आई? कैसे? औरत जब ना कहती है तो उसका मतलब हाँ होता है, और जब हाँ कहती है उसका मतलब तो हाँ है ही।
जिसे ढूंढती फिरती है मेरी नजर, जिसे ढूंढती फिरती है मेरी नजर, तू वही तो नहीं, तू वही तो नहीं, जी वही तो हूँ मैं, जी वही तो हूँ मैं, याद करती हूँ जिसको मैं शामों सहर, याद करती हूँ जिसको मैं शामों सहर, तू वही तो नहीं, जी वही तो हूँ मैं, जी वही तो हूँ मैं, प्यार करना मुझको जिसने सिखला दिया, प्यार करना मुझको जिसने सिखला दिया, दिल को बहला दिया, दिल को बहला दिया, तू वही तो नहीं, जी वही तो हूँ मैं, जिसने रास्ता मोहब्बत का दिखला दिया, जिसने रास्ता मोहब्बत का दिखला दिया, जीना सिखला दिया, जीना सिखला दिया, तू वही तो नहीं, जी वही तो हूँ मैं, जिसने दिल ले लिया मुझ पे अपनी मोहब्बत का जादू किया, जिसने आकर सजाया मेरे दिल का घर, जिसने आकर सजाया मेरे दिल का घर, तू वही तो नहीं, जी वही तो हूँ मैं, मेरे जीवन का सब कुछ है तेरे लिए, मेरे जीवन का सब कुछ है तेरे लिए, तेरे जीवन का सब कुछ है मेरे लिए, तेरे जीवन का सब कुछ है मेरे लिए, जिस पे पुरबान है मेरी जानो जिगर, जिस पे पुरबान है मेरी जानो जिगर, तू वही तो नहीं, जी वही तो हूँ मैं, जिसे ढूंढती फिरती है मेरी नजर, तू वही तो नहीं, जी वही तो हूँ मैं, जी वही तो हूँ मैं, तो फिर अपोलो में आज शाम को चाय पर ना? जरूर, देखिए भूलिएगा नहीं, भूल जाने की आदत तो मर्दों को हुआ करती है। ओके बाय 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 बाय। ठहरो रूपा, वो कौन था जो अभी अभी तुम्हें छोड़ने आया था? ओ डैडी, वो तो वही है जिसकी तस्वीर आप तक पहुंच चुकी है। कौन? सुंदरमुख? जी हाँ डैडी, सुंदरमुख। तुम उसे कैसे जानने लगी? उस दिन जब आप रेस में कहीं खो गए थे, तब एक शरीफ आदमी मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, आइए मैं आपको घर तक पहुँचा दूँ। मैंने कहा थैंक। गैर मर्द के साथ लड़कियां इस तरह घुमा फिरा नहीं करती। और ये जो इतने लड़के हमारे साथ कॉलेज में घुमा फिरा करते हैं, वो कौन? हमारे चचेरे भाई होते हैं। कॉलेज की और बात है, आइंदा उसे तुम कभी न मिलना। मगर डैडी, उन्होंने तो आज मुझे अपालो में चाय पर बुलाया है। तुम वहाँ नहीं जा सकती। नहीं नहीं डैडी, अगर मैं नहीं गई तो वो शरीफ आदमी क्या कहेगा? वो शरीफ आदमी नहीं है, चौबे जी किधर रास्ता भूल गए आज? अजी सरकार,
हमारा रास्ता भूलना भी तो मतलब से खाली नहीं होता। भगवान बनाए रखे आपका दामन थाम कर ऐसी जगह निशाना लगाया है, सुनते ही आप भड़क उठेंगे। मैं समझा नहीं चौबे जी। अजी सरकार, जब मैंने कुछ कहा ही नहीं तो फिर समझेंगे क्या आप? भाई वाह, ये भी खूब कही। भगवान बनाए रखे हम भी कभी कभी कुछ कह जाते। हेलो हेलो रूपा देवी, कहिए क्या हाल है? मुझे अफसोस है कि मैं अपोलो चाय पर ना आ सकूंगी। क्यों? डैडी इजाजत नहीं देते। भाई वाह, आप इतना पढ़ लिख कर भी डैडी की इजाजत के बगैर कहीं आ जा नहीं सकती, मगर आपने उनसे इजाजत मांगी ही क्यों? आप जब मुझे मकान पहुंचाने आए थे तो उन्होंने आपको देख लिया, न जाने क्यों बिगड़ गए, और आपसे मिलने जुलने के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया। मना कर दिया, ये क्यों? वो आपको शरीफ आदमी नहीं समझते। तो ताड़ गए बड़े मियां। तो फिर क्या अब आपसे कभी मुलाकात ना होगी? नहीं, अब आपसे मुलाकात ना हो सकेगी। खैर, मुलाकात ना सही तो खतो किताबत ही सही। अच्छा, सुन लिया चौबे जी, उनके डैडी क्या फरमाते हैं? क्या फरमाते हैं? वो हमें शरीफ आदमी ही नहीं समझते। भगवान बनाए रखे, क्या बात कह दी उनके डैडी ने। हैं? से परेशान ना हो, कोई मुझे
पिताजी। क्या है बेटी? बारिश की उम्मीदें दम तोड़ रही हैं और अखराजात हाथ फैला रहे हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं स्कूल की नौकरी कर लूं। तुम और स्कूल में नौकरी करोगी? क्यों पिताजी? तुम नौकरी करने के लिए ठाकुर जसपाल सिंह के घर नहीं पैदा हुई हो बेटी। मगर स्कूल की नौकरी में क्या बुराई है? बच्चों को पढ़ाना तो बड़ा पुण्य का काम है पिताजी। हमें ऐसे पुण्य की जरूरत नहीं बेटी। जाओ, फिर हमसे कभी ऐसी बात न कहना। मेरी पगली बेटी नौकरी करना चाहती है, जैसे हमें कोई हुनर ही नहीं आता। पहले तो कहा तुम और स्कूल में नौकरी करोगी। मैंने पूछा क्यों, तो कहने लगे तुम नौकरी करने के लिए ठाकुर जसपाल सिंह के घर पैदा नहीं हुई हो। ये तो मैं जानती थी कि वो कभी तुम्हें नौकरी की इजाजत नहीं देंगे। काश कि वो वक्त की नजाकत को समझते तो जरूर नौकरी की इजाजत दे देते। जरा देखना तो दीदी, ये मुंह और मसूर की दाल। देखो ना दीदी। ना छेड़ बलराम, नहीं तो ये अभी रो देगी। लेकिन ये जानने के बावजूद कि पिताजी को कड़वी गोलियां खाने की आदत नहीं, तुमने उनके सामने नौकरी का नाम ही क्यों लिया? मैं समझी कि अब तुम नौकरी करने ही लगे हो तो पिताजी मुझे भी इजाजत दे देंगे। मगर शायद तुम्हें ये नहीं मालूम कि हमारी गोलियां शक्कर चढ़ी हुई थी, और फिर जब मैं नौकरी कर रहा हूँ तो तुम्हें नौकरी की फिक्र क्यों हो? मगर देखते तो हो घर की हालत, आए दिन किसी न किसी चीज की तंगी उठानी पड़ती है। हफ्ता हुआ बच्चे को एक बूंद दूध नसीब नहीं हुआ। पिताजी की सेहत भी पहले सी ना रही। आखिर एक तुम्हारी तनख्वाह कहाँ तक काम देगी भैया? जब तक मेरे दम में दम है मैं किसी को तकलीफ न होने दूंगा। दिन को तो काम करता ही हूँ, अब रात को भी किया करूँगा। तो काम ना करो। कैसे काम ना करूं? अरे भाई, जान है तो जहान है, इतना लालच भी अच्छा नहीं। लालच जिस पर बीतती है वो ही जानता है।
कोई बात नहीं बेटी, सब ठीक हो जाएगा। आसमान को ये कहां मंजूर था कि दो दिल आपस में मिल बैठे। तुम्हारी मजबूरियों का ख्याल करता हूं तो कलेजा मुंह को आता है। मैं तो तुम्हारे लिए मौत के मुंह में भी जाने को तैयार हूं, मगर तुमसे कैसे कहूं कि जाने मन। कभी तो इधर उधर से गुजरते हुए सूरत दिखा दिया करो। जुदाई तेरी किसको मंजूर है? जमीन सख्त है, आसमां दूर है। जुदाई तेरी किसको मंजूर है? जमीन सख्त है, आसमां दूर है। यू इडियट,
बेवकूफ, फूल इसमें लगाते हैं और ये किताबें इस तरह रखी जाती हैं। तुझे 100 मरतबा मना किया है कि मेरी किताबें न छुआ कर। चल निकल यहाँ से, निकल। न जाने डैडी ऐसे बेवकूफ नौकर क्यों रखते हैं। लड़के वाले तो कह कह कर थक गए, पर तुम्हें अपने कामों से फुर्सत मिले तब तो बेटी की शादी का ख्याल करो। तुमने रूपा से भी पूछा? हाँ, वो तो कहती है इम्तिहान तक मुझे इन बातों को सोचने की फुर्सत नहीं। कहती तो ठीक है, इम्तिहान से पहले शादी का जिक्र ही बेकार है। तुम्हें कहीं बेटी को नौकर कराना है जो उसकी पढ़ाई कितनी फिक्र लगी है। अरे भाग्यवान, पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं होती। फिर काहे के लिए होती है? हैवान को इंसान बनाने के लिए। और हम जो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हैं, तुम्हारी नजर में हैवान हैं। अब ये मैं अपनी जबान से कैसे कहूँ? डैडी, डैडी, कैसी इडियट नौकरानी रखी है आपने। आज वो गालदान में फूल लगा रही थी, कल बिस्तर पर तकियों के बदले जूते रख देगी। मुझे ऐसी जाहिल नौकरानी नहीं चाहिए। अब पढ़ी लिखी नौकरानी कहाँ से लाई जाए? आपका मतलब है पढ़े लिखों का दुनिया में काल पड़ गया है। हमारे कॉलेज में पढ़ी लिखी उस्तादियाँ कहाँ से आती हैं? वो भी तो आखिर नौकरी ही करती हैं। भाई ख्याल तो अच्छा है रूपा का, लड़कियों के स्कूल से एक उस्तानी मंगा लें, रूपा का दिल भी बहला रहेगा और इसका कामकाज भी कर दिया करेगी। वेरी गुड डैडी। क्यों, क्या ख्याल है तुम्हारा? मुझसे क्या पूछते हो, मैं तो अनपढ़ हैवान हूँ। अरे तुम तो यूं ही नाराज हो गई रानी। 100 रुपया तनख्वाह और काम सिर्फ इतना होगा कि उनकी बेटी का जी बहलाए रखे और उनके सामान की देखभाल करती रहे। मैं जाऊंगी। नहीं मैं जाऊंगी। नहीं मैं जाऊंगी। नहीं मैं जाऊंगी। नहीं मैं जाऊंगी। अरे भाई तुम सब भी जाकर अपनी किस्मत क्यों नहीं आजमा लेती? स्कूल में तो तुम्हें सपने में भी 100 रुपया तनख्वाह नहीं मिलेगी। आपको पाउडर बहुत सस्ता मिलता है। अगर आप मुझे नौकर रख लेंगे तो मैं आपको मुक्ति ला दिया करूंगी। मालूम होता है आपको पाउडर की एजेंसी मिल गई। और आपकी लिपस्टिक की लाली देखकर ऐसा मालूम होता है कि बिल्ली कबूतर खाकर अभी आई है। मगर घबराइए नहीं रानी, मैं बहुत ही नरम दिल। अरे आप तो घर से रूठ कर आई हुई मालूम होती है। फिर तो मुझे आप जरूर नौकर रख लेंगी। जरूर जरूर, मगर धर्मशाला खोल लेने में अभी कुछ देर बाकी है, समझी। और आपको इन पत्रों से क्या खास नजर आता होगा? आप कहें तो आसमान के तारे गिनकर बता दूं बीबी जी। तो फिर जरा गिनकर ही आना। हाय हाय रे आपका चौकटा, आपने आईने में कभी अपनी सूरत देखी है? आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं रानी जी। मगर नौकरी को शर्मिंदा करने क्यों आई हो? और माफ करना माता जी, अगर आपकी जरूरत होती तो मेरी मम्मी जो मौजूद है। माफ करना बहनों, ये रोग तुम्हारे बस का नहीं है। वाह वाह वाह, शिवा शक्ति, कमाल कर दिया सरकार आपने। क्या चीज बनाई है, तारीफ नहीं हो सकती। इतनी अच्छी तो नहीं है चौबे जी? नहीं सरकार, बल्कि यूं कहिए कि इससे अच्छी हो नहीं सकती। इस फन की इंतहा कर दी आपने। अच्छा ये तो बताओ, ये कहीं बिक भी सकती है चौबे जी? भगवान बनाए रखे, आप इसे तैयार तो कर लीजिए। अगर सोने में ना तुली तो मेरा जिम्मा। ये बात है तो अब हम इसे जल्द से जल्द तैयार कर लेंगे, फिर इसे बेचना तुम्हारे जिम्मे रहा चौबे जी। ये भी कोई कहने की बात है सरकार, मैं तो आठों पैर इसी इंतजार में रहता हूँ कि आप मुझसे कोई खिदमत लें। मैं तो इसे अपनी खुशनसीबी समझूंगा। तो अब हमें चैन कहाँ, अब तो हम दिन और रात काम करेंगे और जब तक इसे पूरी न कर लेंगे दम नहीं लेंगे। भगवान बनाए रखे। नमस्ते सरकार। नमस्ते चौबे जी। Thank you.
गुस्ताखी की माफी चाहती हूँ पिताजी, लेकिन क्या वो वक्त नहीं आ गया कि आप मुझे किसी स्कूल में नौकरी करने की इजाजत दे दें? फिर वही पागलपन। अरे हमारे खानदान की किसी बेटी ने आज तक काम किया है जो तुम करोगी? मगर हमारे खानदान पर कभी ऐसा वक्त आया भी था पिताजी। ये तो तुमने सच कहा बेटी, लेकिन क्या तुम ये समझती हो कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? ये देखो, तुम ही लोगों के लिए तो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, जरा तैयार तो हो जाने दो, फिर देखना कितने में बिकती है। आप क्यों हाथ धोकर अपनी जान के पीछे पड़े हैं पिताजी? भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो गया तो डूबते हुओं को तिनके का सहारा भी ना रहेगा। जाओ बेटी, जाओ, जाकर सो रहा। बहुत सो चुकी, अब जागने का वक्त है। कौन हो तुम? पतझड़ में गिरा हुआ एक पत्ता जो हवा के थपेड़े खाता हुआ आपके पास सहारा ढूंढने आया है। हमें तुमसे हमदर्दी है, लेकिन साथ ही अफसोस भी है कि हमारे स्कूल में कोई जगह खाली नहीं है। अलबत्ता एक पढ़ी लिखी नौकरानी की जरूरत है शीश महल में। शीश महल में? हाँ, बहुत बड़ा महल, बड़े अमीर आदमी रहते हैं उसमें। बहुत सी उस्तादियाँ दरख्वास्त लेकर गई थी मगर सभी नाकामयाब लौटी हैं। सुना है छोटी बीबी की तबीयत कुछ अजीब है, फिर भी तुम अपनी किस्मत आजमाना चाहो तो चिट्ठी लिख दूँ। क्या सोच रही हो? जी जी कुछ नहीं। लिख दूँ चिट्ठी? लिख दीजिए, आगे मेरी किस्मत। क्या नाम है तुम्हारा? रंजना। रंजना? ओ कितना मीठा नाम है मम्मी, ये नाम हमें बहुत पसंद है। तुम बड़ी खुश नसीब हो रंजना, रूपा बेटी मुश्किल ही से किसी को पसंद करती है। आपका बेहद शुक्रिया। और काम भी कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ रूपा का दिल बहलाना और इसकी चीजों की देखभाल करना। हाँ अलबत्ता एक काम मेरा कर दिया करना, मुझे पुरानी खांसी है, अक्सर रात को दौरा पड़ता है, इसलिए मैं रोज शाम को दवाई खाती हूँ। अगर भूल जाऊँ तो याद दिलाकर मुझे दवा खिला दिया करना। जी बहुत अच्छा। सब समझ गई ना तुम? नौकर तुम इसलिए रखी जा रही हो कि मेरा जी पहले, और काम तुम्हारा ये होगा कि मम्मी की दवा का ख्याल रखना। अच्छा तो तुम नौकर रख ली गई, 100 रुपए तनख्वाह और रहने खाने का भी इंतजाम यही होगा। 100 रुपए तनख्वाह और रहने खाने का इंतजाम भी वही हो गया है। लेकिन तुम्हारा घर से बाहर रहना मुझे पसंद नहीं रंजना। हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिला करेगी, छुट्टी के दिन मैं घर आ जाया करूंगी भैया। ये तुम्हारे लाड प्यार के दिन थे रंजना, और तुम्हें मुसीबतों के दिन देखने पड़े। क्या बातें हो रही हैं बेटा? पिताजी रंजना ने स्कूल में नौकरी कर ली है। तो तुमने नौकरी कर ली? इसके सिवा और क्या करती पिताजी? जिन हाथों ने कभी सोना लुटाया था वही हाथ आज कौड़ी कौड़ी के लिए तरस रहे हैं। जिस खानदान में दूध की नहरें बहती थी उसी खानदान का बच्चा आज एक एक बूंद दूध के लिए तरस रहा है। जरा गौर तो कीजिए पिताजी, अगर अभी मैं नौकरी ना करूं तो बेवा बहन, मजबूर भाई, नन्ना बच्चा, इन सब की जरूरियात कैसे पूरी होंगी, घर का खर्च कैसे चलेगा? मगर अपने खानदान का तो कुछ ख्याल किया होता बेटी। मैंने उन लोगों को कुछ नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, किसकी बेटी हूँ। इससे क्या होता, ये बात कब तक छुपी रहेगी? एक ने एक रोज तो उन्हें पता चल ही जाएगा।
12 बजे जरूर जाऊंगी। रंजना तुम कमरा ठीक करो, मैं कॉलेज होती हूँ। बदतमीजी, अगर माताजी ने देख लिया तो फिटने से नहीं बचोगी तुम। आपकी आवाज सुनकर मैं डर गई। अच्छा, तो हमारी आवाज इतनी डरावनी है? मगर ये तो बताओ, तुम हो कौन? इस घर की एक दासी। दासी? सूरत से तो तुम दासी नहीं दिखाई देती। मैं छोटी रानी की सेवा के लिए नौकर रखी गई हूँ। हो तो तुम ही रंजना हो, तुम छोटी रानी की सेवा क्या करोगी? चीजें ठीक से रखनी भी तो नहीं आती तुम्हें। देखो ये फूल यूं सजाए जाते हैं, ये है तरीका। और ये देखो। माफ कीजिए, मुझे ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। ओहो, ये दिमाग है तो नौकरी क्यों कर ली इस घर में? मुझे नहीं मालूम था कि इस घर में आप जैसे बदतमीज लोग भी रहते हैं। मुंह संभाल कर बात करो, वरना माताजी से शिकायत करूंगा तो चंदिया ही गंजी हो जाएगी। किस्मत से रहने को शीश महल मिल गया है तो महलों में रहने की तमीज भी सीखिए। अजीब नौकरानी है, मालिकों को भी तमीज सिखाती है। माताजी, आपने रूपा की सेवा के लिए नौकरानी रखी है या हमें सबक सिखाने के लिए उस्तानी? क्यों, क्या हुआ बेटा? हुआ क्या, उसने रूपा के कमरे का गुलदान तोड़ दिया। मैंने कहा माता जी से तुम्हारी शिकायत करता हूँ, वो बेभाव की पड़ेंगी कि चिंदिया ही गंजी हो जाएगी। कहने लगी किस्मत से रहने को शीश महल मिल गया है तो महलों में रहने की तमीज भी सीखिए। कहती तो सच है बेटा, तुमने बात ही ऐसी कह दी। लेकिन मुझे तो वो कोई नौकरानी नहीं दिखाई देती। होगी किसी शरीफ घराने की लड़की, बड़े बड़ों पर ऐसा वक्त आ जाता है बेटा। अगर उसे इस घर की नौकरी मंजूर है तो उसे कह दीजिएगा माताजी कि हमसे जबान संभाल कर बात किया करे। ये दौड़ी भागी कहाँ जा रही हो तुम? कॉलेज, आज बहुत देर हो गई है भैया। ये तो तुम्हारी रोजी की आदत है, कोई नई बात थोड़ी है। बाय बाय। टाटा। क्यों जी, तुमने हमें इतना बदतमीज समझ रखा है कि हमें महलों में रहने की तमीज ही नहीं? सीखने से सभी कुछ आ जाता है। तो तुम्हारा मतलब यह है कि तुम सिर्फ रूपा की ही नहीं बल्कि सारे घर की उस्तानी हो? ये तो आपकी शराफत है जो आप ऐसा समझते हैं। रंजना, रंजना जी आई। डियर डार्लिंग, इंतजार की हद हो चुकी। कई दिनों से न कहीं तुम मिलती हो और न कहीं नजर आती हो। अगर दिन की रोशनी तुम्हें मुझसे दूर रहने पर मजबूर करती है तो रात की तारीकी ही सही, फिर तो किसी का डर नहीं होगा। इसलिए आज रात के 12 बजे शीश महल के बाग में तुम्हारा इंतजार करूंगा। निराश न करना। शीश महल के बाग में आज रात के 12 बजे? तो ये नौकरी इन मुलाकातों के लिए बहाना बनाई गई है। नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी हैं, जिसके बाजू पर तेरी जुल्फें परेशान हो गईं। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए।
रंजना तुम क्यों आई हो? नींद नहीं आ रही थी, आपके कमरे में रोशनी देखी, इस ख्याल से चली आई कि रानी जी की कुछ सेवा ही करूं। तो आओ बैठो, थोड़ी सी बातें ही करें, कुछ अपनी कहें, कुछ तुम्हारी सुने, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। दो नहीं एक, मैं किसी के लिए दीवानी क्यों बनूं? हो ना पगली, शायद तुमने अभी प्रेम का फल ही नहीं चखा है। चखा जरूर है, मगर कड़वा समझकर फेंक दिया। तुम नहीं जानती रंजना, प्रेम के फल का मजा कड़वा जरूर होता है, लेकिन तासीर मीठी होती है। तो फिर आपने चखा वक्का कुछ नहीं, सिर्फ जबानी तारीफें ही सुनी है। नहीं रंजना, मैं तो दीवानी हो चुकी हूँ, यही जी चाहता है कि वो हूँ, मैं हूँ, चांदनी रात हो, नदी का किनारा हो, और बस प्रेम ही प्रेम की बातें हो। क्या उन्हें भी आपसे इतना ही प्रेम है? अरे पगली, अगर मुझे शेर भर है तो उन्हें सवा शेर। मुझे भरोसा नहीं होता, ये दिल चुराने वाले बड़े ही बेवफा होते हैं। अच्छा तो अब पत्थर में झोंक लगी, जरूर तुम्हें भी किसी से मोहब्बत है? है नहीं, थी। अरे पगली, शायद तूने किसी हसीन को देखा ही नहीं, इसीलिए ऐसा कह रही है। देखा है, हसीन को भी देखा है और उसकी बेवफाई भी देखी है। हसीन और बेवफा, यही तो बात है रानी, कहीं आगे चलकर आपको भी यही ना कहना पड़े। क्या? जहर खाना मगर हुस्न वालों की, हुस्न वालों की गलियों में जाना नहीं। जहर खाना, जहर खाना मगर दिल लगाना नहीं। हुस्न
तो दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। गई रूपा। रूपा, यहां तो तुम्हारे इंतजार में आंखें भी पथरा गई हैं रूपा। आखिर तुम बोलती क्यों नहीं, और ये तुमने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? अगर अपनी इज्जत की खैर चाहते हो तो यहां से चले जाओ। तुम कौन होती हो मुझे यहां से निकालने वाली? मैं छोटी रानी की एक दासी हूं और उन्हीं के हुक्म से ये कहने आई हूं कि यहां से चले जाओ और फिर कभी इधर का रुख ना करना। मैं यहां अपनी मर्जी से नहीं आया हूं, रूपा ने मुझे बुलाया है। पहले उस भोली लड़की को धोखा दिया और अब उसे बदनाम भी करना चाहते हो? निकल जाओ यहाँ से, वरना मुझे उस कुत्ते को आवाज देनी पड़ेगी जो तुम जैसे चोरों को शीश महल से भगाना खूब जानता है। किसे धमकाती हो? बहादुर, कमान बहादुर, पहचान। कमान बहादुर, पहचान। रंजना, वो कौन था रंजना? एक चोर जो इस घर की इज्जत चुराने आया था। और आपके कुत्ते ने उसे भगा दिया। मैं इसका मतलब नहीं समझा। आपको इसका मतलब समझने की कुछ ऐसी जरूरत भी नहीं। मैं रूपा का भाई हूँ, मुझे इसका मतलब समझने की जरूरत है। क्या सचमुच उसे रूपा ने यहाँ बुलाया था? नहीं। इसका सबूत? उसने जो चिट्ठी रूपा रानी को लिखी थी वो मैंने पढ़ी है। तो वो चिट्ठी रूपा की थी? जी। मगर उसे ये चिट्ठी लिखने की हिम्मत कैसे हुई? आपकी दौलत हर चोर को हिम्मत दिला सकती है। वो रूपा को ऐसी चिट्ठियां लिखता रहा और रूपा चुप रही। वो किताबों की खूबसूरत दुनिया में रहने वाली फरेबी लोगों की बातों को क्या जाने। उसे इस गुस्ताखी का जवाब देना होगा।
ये गुस्से में आने का वक्त नहीं है, घर की इज्जत खतरे में है, इसलिए अब छोटी रानी का ब्याह जल्द से जल्द कर दीजिए, यही मुनासिब है। तुम क्या थी रंजना और मैं तुम्हें क्या समझा। रंजना ने हमें जिल्लत से बचा लिया, वरना आज हमारी नाक ही कट जाती। आए हाय, जमीन फट जाती और रूपा उसमें समा जाती। अब यूं ढोल पीटने से सिवाय बदनामी का और कुछ न होगा। ये सब तुम्हारे बेजा लाड़ प्यार का नतीजा है। अगर पहले ही मेरा कहा मानकर उसकी शादी कर देते तो ये सब क्यों होता। खैर, अब जो कुछ हुआ उसमें पर्दा डाल दो। और तुम यूं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो। मगर मैं कह देती हूँ, अगर अब भी तुमने जल्द से जल्द उसकी शादी न की तो फिर हम लोग कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मुझे अब उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। तुम ठीक कहती हो, मैं आज ही समझी साहब से मिलता हूँ और शादी का मुहूर्त करवाता हूँ। क्या सुबह ही सुबह मुसीबत है। हेलो, कौन? रूपा, मैं माफी चाहती हूँ कि रात को आपसे मुलाकात ना हो सकी। अरे साहब, मुलाकात में भी कोई कसर बाकी रह गई? नौकरानी से निकलवाया, कुत्ते को हमारे पीछे दौड़ाया। ये आप क्या कह रहे हैं, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं। आपको कुछ मालूम नहीं? तो उस चुड़ैल ने झूठ ही कहा था कि आपने हमको शीश महल से निकल जाने का हुक्म दिया है। मैंने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया था। खैर, मैं फिर आपको फोन करूंगी। रंजना बेशर्म। रात हमारे कमरे का दरवाजा किसने बंद किया था? मैंने ही गलती से बंद कर दिया था रानी। और उसकी चाबी? मैं गलती से अपने साथ ले गई थी। तुमसे जो काम भी होता है गलती से होता है, नामुराद कहीं की। निकल जाओ, हम तुम्हारी सूरत तक नहीं देखना चाहते। रंजना! क्या है पिताजी, कहाँ है रंजना? रंजना अब तक नहीं आई बेटी। आज ही तो उसके आने का दिन है, किसी काम से रुक गई होगी, आ जाएगी। काश हमारी गैरत हमें इजाजत देती तो हम शहर के हर स्कूल में जाकर उसे तलाश करते और कहते, रंजना हमें तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, बाप को सिर्फ बेटी की जरूरत है। आप तो यूं ही परेशान हो रहे हैं पिताजी। मुझे कुछ डर सा लग रहा है बेटी, अभी बैठे बैठे कुछ धक्का सा लगा, जैसे किसी को सख्त चोट आ जाए। बाप का दिल झूठ नहीं बोल सकता बेटी। अरे, ये तो खून बह रहा है सर से, क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं, कमरे में दाखिल हो रही थी, फर्श में पांव उलझ गया, गिर पड़ी। अरे हाय, खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो, दौड़ो कुछ लाओ, जख्म पर बांध दो। रूपा की माँ, तुम्हारे हुक्म के मुताबिक हम रूपा की शादी का मुहूर्त निकलवाए, अगले इतवार को बारात आएगी। और शादी की तैयारियां सब कर दी है। देखो, बेटी के लिए हम चूड़ियां भी ले आए रानी। ऐसी चूड़ियां तुमने सपने में भी न देखी होंगी। ऐसी तो हमने लाखों चूड़ियां पहनकर तोड़ डाली। जी हाँ, फर्क सिर्फ इतना ही है कि ये हीरे की चूड़ियां हैं और वो कांच की थी। बेटी के लिए हीरे की चूड़ियां आ गई, हमें हीरे की चूड़ियां पहनाते तो क्या शान घट जाती तुम्हारी। रूपा शीश महल के मालिक की बेटी है। और हम? तुम? इसका जिक्र छोड़ो, ये बताओ रूपा से भी कहा तुमने? हाँ कह दिया। फिर क्या कहा उसने? नाक भौं चढ़ा लिए और गुस्से से पैर पटक कर चली गई। जी हाँ सरकार, आपका फोन।
यस। कौन? रूपा, फरमाइए क्या हुक्म है? यहाँ तो जान अजाब में फंसी है, मेरी शादी की तारीख मुकर्रर हो गई। शादी की तारीख? सचमुच तुम्हारे माँ बाप भी कितने बेवकूफ हैं। अब इसका सिर्फ एक ही इलाज है, मैं उनसे साफ साफ कह दूं कि मुझे शादी मंजूर नहीं। इसका तो सिर्फ एक ही इलाज है कि तुम मेरे साथ कहीं भाग चलो। भाग चलो? लड़कियों के माँ बाप कर ही क्या सकते हैं, आपसे आप मान जाएंगे? मगर अगर कुछ नहीं, हिम्मत से काम लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा तो फिर आज ही रात को चलिए, वो नौकरानी भी आज अपने घर गई भी है। तो फिर ठीक है, आधी रात के वक्त शीश महल के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। बहुत अच्छा। आधी रात। भगवान हमारे, भगवान हमारे, तुम देख रहे हो कि मिटे सारे सहारे, तुम देख रहे हो कि मिटे सारे सहारे, भगवान हमारे, भगवान हमारे। तो पी लीजिए पिताजी। रख दो बेटी और जाओ, जाकर सो जाओ। इलाज भी तो नहीं कराते। जिनकी लड़की को मैं पढ़ाती हूँ उन्हें भी पुरानी खांसी है,
मगर बड़ी ही अच्छी दवा है उनके पास। कहो तो मैं जाकर ले आऊं। अभी? हाँ, खांसी से पिताजी का दम घुटा जा रहा है, एक ही खुराक में आराम हो जाएगा। इस वक्त कहाँ? मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम जासूसों की तरह हर वक्त मेरे साथ क्यों लगी रहती हो? और मैं आपसे पूछती हूँ कि आप चोरों की तरह इस वक्त घर से बाहर कहाँ जा रही हैं? तुम्हें इससे क्या गरज? तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। मैं अपने काम से ही काम रख रही हूँ। आप वापस चलिए। देखो बहन, मुझ पर इतना जुल्म ना करो। मैं अपनी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं कर सकती। शादी से इनकार करने का ये तरीका नहीं। अंदर चलिए, अंदर चलिए रानी। मैं अब नहीं जाऊंगी। लेकिन तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, ये लो इस सेवा का इनाम। इसे आप अपने पास ही रहने दीजिए, मुझसे ज्यादा आपको इसकी जरूरत है। तुम हट जाओ मेरे रास्ते से। ये हरगिज ना होगा। जो चाहे कीजिए, मगर मैं आपको जाने नहीं दूंगी। अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। अगर मैंने आपको जाने दिया तो आपके सारे खानदान को खुदकुशी करनी पड़ेगी। तुम कैसी हो रंजना, तुम्हें मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता? और आपको अपने माँ बाप पर जरा भी तरस नहीं आता रानी? इससे पहले कि वो जाग जाए और उनकी नींद उन पर हमेशा के लिए दूभर हो जाए, अपने कमरे में चलकर सो जाइए। चलिए रानी, जिद ना कीजिए। चलिए रंजना। नहीं नहीं, ये मुझसे हरगिज ना होगा। चलिए। नहीं रंजना, बेटा, हम तुम्हारा यह एहसान उम्र भर न भूलेंगे। मगर तुम तो घर गई थी, इस वक्त यहाँ कैसे आ गई? पिताजी को खांसी का दौरा पड़ा था, मुझसे उनकी तकलीफ देखी नहीं गई, दवा लेने यहाँ चली आई। ये भी भगवान ही की दया हुई हम पर। जाओ विक्रम, तुम्हारी माताजी की अलमारी में दवाई रखी है, ले आओ। अब तो रूपा को एक मिनट के लिए भी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। इसकी जरूरत नहीं। अब भी ये कहते हो तुम? मेरा ख्याल है वो आपसे आप ही समझ जाएंगे। इतना पढ़ लिख कर वो जो कुछ समझी है उसे तो हमने अपनी आंखों देख लिया। अब जो कुछ वो आपसे आप समझ जाएगी वो तो भगवान हमें जीते जी ने दिखाए। ऐसा न कहिए। इसके सिवा आपने और देखा ही क्या है कि एक शरीफ लड़की ने मेरी बात मानकर अपनी जिद छोड़ दी। तुम कितने नेक दिल हो रंजना। ये लीजिए पिताजी। जा बेटा, मोटर निकलवा कर इन्हें उसमें रवाना कर दो, रात बहुत ज्यादा हो गई है। और ये लो बेटी। लो मेरी शाल। जी नहीं, इसकी क्या जरूरत है? नहीं नहीं बेटी, बाहर बहुत सर्दी है और मोटर में तो ज्यादा सर्दी लगेगी। लो इसे ओढ़ लो। शुक्रिया।
सरपंच कौन है देखो? हजूर कोई आवारा कुत्ता होगा। ए, ए। कुत्ता रंजना, बाप के दिल में लगाई हुई आग के शोलों से अब निपट कर तुम इस घर में कदम रख सकती हो। पिताजी, ये बताओ कि ठाकुर जसपाल सिंह के खानदान की इज्जत की कीमत ये चीथड़ा है जिसे तुम ओढ़ कर आई हो? वो किसका मोटर था जिसे आधी रात के वक्त एक शरीफ के दरवाजे पर रुकने की जरूरत हुई? जवाब दो, कहां से आ रही हो तुम इस वक्त? मैं आपकी दवा लेने गई थी पिताजी। दवा लेने गई थी या अपने बाप दादा की इज्जत को जहर का घूंट पिलाने गई थी? मैं झूठ नहीं कहती, ये देखिए दवा की शीशी। दवा की शीशी दिखलाकर हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश न करो। आधी रात वो मोटर, ये दुशाला सब तुम्हारी बेहयाई की कहानी सुना रहे हैं। चीख चीख कर कह रहे हैं कि लाडली बेटी खानदानी लाज की अर्थी निकाल कर आई है। नहीं नहीं पिताजी, अगर मेरा एतबार नहीं करते तो दीदी से पूछ लीजिए। क्या है रंजना? दीदी दीदी, मैं तुमसे पूछकर ही पिताजी के लिए दवा लेने गई थी ना। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? ये क्यों नहीं पूछती कि क्या नहीं हुआ? बाप बहन और भाई के मुंह में रोटियां ठूसने के लिए इसने नौकरी की। दिन को दासी बनी, रात को मोटर पर चढ़ी, पिताजी दुशाला ओढ़ा, खानदान का नाम ऊंचा किया, रही सही इज्जत को भी नीलाम पर चढ़ा दिया। क्या नहीं हुआ भैया? पिताजी पहले सुन लीजिए, रंजना मैं और बलराम हम तीनों जान देने को तैयार हैं, लेकिन पहले सुन लीजिए, रंजना हमसे पूछकर ही आपके लिए खांसी की दवा लेने गई थी। और जरा इसे ये भी तो पूछो कि जर्रीन चीथड़ा किस सेवा के बदले में मिला है इसे? ये सब उनकी मेहरबानी है पिताजी, जिनकी लड़की को मैं पढ़ाती हूँ। अमीरों की मेहरबानियाँ बगैर किसी सबब पे नहीं होती रंजना। आखिर आप इसकी बातों पर यकीन क्यों नहीं करते? हम अपनी आंखों को कैसे जुटला दे नलिनी? आंखों पर यकीन करने से पहले ये बताइए कि आज तक रंजना ने एक बात भी झूठी कही है आपसे? कभी मक्कारी की है, कभी धोखा दिया है? अगर नहीं तो क्यों शक कर रहे हैं इस पर, क्यों बुरी समझ रहे हैं इसे? आखिर ये भी तो आप ही का खून है। क्या आप समझते हैं कि आपके खानदानी खून का रंग इतना कमजोर है कि दौलत की मामूली सी चमक इसकी रंगत बदल देगी? पिताजी, अगर आज आपको अपनी औलाद पर भरोसा नहीं होता तो कल आपका भरोसा अपने पर से भी उठ जाएगा और तब हमारी ये दुनिया नर्क बनकर रह जाएगी। आप भी तो कहा करते थे पिताजी, बेभरोसे की दुनिया नर्क की दुनिया होती है, नर्क की। आप इत्मीनान रखिए पिताजी, आपकी ये लाडली बेटी जहर खाकर सो रहेगी, मगर कोई ऐसा काम ना करेगी जिससे हमारे खानदान की आन और इज्जत पर हरफ आए। हमें तुमसे यही उम्मीद है बेटी। शादी के जोड़े को आग लगा। आए हाय बेटी, भला कोई सुहाग के जोड़े को भी इस तरह कोसता है? मैं सुहाग वहाग कुछ नहीं जानती, मैंने आपसे पहले कह दिया था कि मुझे शादी मंजूर नहीं। मगर बेटी, अपने बाप की इज्जत का कुछ तो ख्याल करो, दूल्हे वाले भी क्या कहेंगे, अच्छा रिश्ता ढूंढा है। मैं उनके घर सवाल लेकर नहीं गई थी। शरीफों की बेटियां ऐसी बातें नहीं कहा करती, लो अब मान भी जाओ। एक बार कह जो दिया कि मुझे शादी मंजूर नहीं, मैं कोई घास की खटरी तो हूँ नहीं, क्या मुझे जिसके सर पर चाहे रख दे। लो और पढ़ाओ बेटी को कॉलेज में,
बेटी अब तू ही इसे समझा, ये तो खानदान की नाक कटवाने पर तुली बैठी है। ये क्या कर रही हो रानी? जो कुछ मुझे करना चाहिए। बेशक मैं खुद इस बात को पसंद नहीं करती कि शादी ब्याह में किसी पर जबरदस्ती हो। तो फिर तुम क्यों मेरा साथ नहीं देती? इसलिए कि आपको फरेब दिया गया है। मानो ना मानो आपकी मर्जी, मगर हाँ अगर आप मेरी आंखों से देख सकेंगी तो आप जान लेंगी कि आपकी आंखें आपको धोखा दे रही हैं। मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? ये तुम क्या कह रही हो रंजना? जो कुछ मैं जानती हूँ अगर आप उसे जानती तो आप भी यही कहती। जिससे मुझे मोहब्बत है अगर तुम उसे जानती तो जो कुछ तुमने कहा कभी ना कहती। मैं उसे जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ रानी। वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, आपकी दौलत से मोहब्बत करता है। ये कैसे? मोहब्बत करने वाले यूं रातों को छुप छुप कर शरीफ घरानों की इज्जत पर डाका नहीं डाला करते। मोहब्बत करने वाले भोली लड़कियों को फंसा कर उनके माँ बाप के नाम पर कलंक नहीं लगाया करते। तो तुम उसे नहीं जानती? वो तो मुझसे शादी करना चाहता है। वो एक दिन मुझसे भी शादी करना चाहता था। तुमसे शादी करना चाहता था? और जब मेरे बाप के पास पैसा न रहा तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। मगर मैं कैसे मान लूं कि जो कुछ तुम कह रही हो सच है? अपने कानों से सुन लीजिए, आइए मेरे साथ। हमारी याद कैसे आ गई? मुझे आपसे बड़ी हमदर्दी है। आपने शीश महल के पहले मालिक की लड़की से मोहब्बत की, मगर उसकी गरीबी आपको पसंद ना आई। फिर आपने शीश महल के नए मालिक की लड़की रूपा से मोहब्बत की। ये बिल्कुल झूठ है। रूपा तो खुद ही बला की तरह मेरे पीछे पड़ गई थी। मुझे उससे मोहब्बत वोहब्बत कुछ नहीं, अलबत्ता मुझे उसकी दौलत से जरूर मोहब्बत है। जी क्या कहा, जरा फिर कहिए। रूपा तो खुद ही बला की तरह मेरे पीछे पड़ गई थी। मुझे उससे मोहब्बत वोहब्बत कुछ नहीं, अलबत्ता मुझे उसकी दौलत से जरूर मोहब्बत। तो ये सब झूठ था, तुम्हारी मोहब्बत एक धोखा थी। तुमने मुझे पहचाना नहीं सुंदर मुख, मैं रूपा हूँ। रूपा, रूपा। तो रंजना ने मुझसे इंतकाम दिया। मेरी अच्छी रंजना, चलो मुझे शादी का जोड़ा पहना दो। आज गुलाब सा चेहरा उदास क्यों हो गया है?
उदास? नहीं तो, मैं तो बहुत खुश हूँ। छोटी रानी का ब्याह हो गया, वो अपने घर बार की हो गई। सोच रही हूँ मुझे भी अब अपने घर चले जाना चाहिए, मेरा अब यहाँ क्या काम। आप सिर्फ उनके ही लिए यहाँ थी, और भी तो लोग मौजूद हैं। हो, मुझे औरों से क्या मतलब। आपने भी वही जवाब दिया जो अक्सर महफिल में शमा परवाने को दिया करती है। अच्छा, तो आप अपने आप को परवाना समझते हैं? काश ऐसा ही मुकद्दर होता कि परवाने की तरह जल जाना ही नसीब हो जाता, मगर वो भी मजबूरी है। मजबूरियों में रहकर ही जिंदगी गुजारने का नाम जिंदगी है। शायद आपने कभी नदी के किनारों को नहीं देखा, वो एक होने के बावजूद एक दूसरे से कितने अलग अलग रहते हैं। लेकिन इसकी कोई वजह नहीं कि दो मोहब्बत करने वाले दिल एक दूसरे से जुदा रहें। रंजना, तुम सिर्फ एक मरतबा अपनी जबान से हाँ कह दो, फिर अगर पहाड़ भी हमारे बीच में आएगा, हम जुदा नहीं हो सकेंगे। जिस फर्ज का भूला हुआ सबक छोटी रानी को इतने दिनों तक याद दिलाती रही, उसे मैं खुद कैसे भूल सकती हूँ। मेरे सर पर पिताजी का साया मौजूद है, और हाँ या नहीं कहने का उन्हीं को इख्तियार है। तुम धन्य हो बेटी, तुम्हारे जैसी सआदतमंद और नेक बहू हमें मिले, इसीलिए तो विक्रम के पिता तुम्हारे पिताजी के पास दरखास्त लेकर गए हैं। ओहो, दुर्गा प्रसाद, शहर के सबसे बड़े रईस, आज शीश महल छोड़कर इस झोपड़ी में कैसे चले आए आप? शायद ये देखने के लिए जहां दौलत के भौचाल ने ठाकुर की शान छीन ली है, वहां उसके अजम और इरादे के कदम भी डगमगा दिए होंगे। लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी ये हसरत कभी पूरी नहीं होगी। ये बात नहीं ठाकुर साहब, मैं तो आपके खिदमत में एक दरखास्त लेकर आया हूं। दरखास्त और हमारे पास? तुम तो शहर के सबसे ज्यादा मालदार शख्स हो, दुर्गा प्रसाद कहलाते हो, तुम्हें एक गरीब ठाकुर के पास दरखास्त लेकर आने की क्या जरूरत हो सकती है? शायद तुम हमारी हंसी उड़ाने आए हो। ये आप क्या फरमा रहे हैं ठाकुर साहब, भला मैं और आपकी हंसी उड़ाऊं? ये कैसे हो सकता है? इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है दुर्गा प्रसाद। इस दुनिया में हमने कौवों को हंस की चाल चलते देखा है, इस दुनिया में हमने ईंट और पत्थर ढोने वाले मजदूर को महल का मालिक बने हुए देखा है। क्या कुछ नहीं हो सकता है इस दुनिया में? ये तो जमाने के इंकलाबात हैं ठाकुर साहब। हाँ, और शायद ये भी जमाने का इंकलाब ही है कि तुम्हारे जैसा दौलतमंद हमारे जैसे गरीब के पास दरखास्त लेकर आए। लेकिन हम सोचते हैं कि शीश महल के हाथ से निकल जाने के बाद हमारे पास सिवाय खानदानी आन और इज्जत के क्या बाकी रह गया है जो हम तुम्हें दे सके। मैं उसी खानदानी आन की भीख मांगने आया हूं। याने? चाहता हूं अपने लड़के विक्रम को आपकी सेवा में दे दूं। क्या मतलब? यही के छोटी कुमारी जी के साथ। खामोश! दौलत के नशे में चूर होकर अपनी हैसियत न भूलो दुर्गा। तिनका अगर उड़कर पहाड़ की चोटी पर भी पहुंच जाता है, फिर भी वो पहाड़ से ऊंचा नहीं कहलाता। तिनका कब अपनी बुलंदी का दावा करता है ठाकुर साहब, वो तो सिर्फ पहाड़ से बुलंदी की भीख मांग रहा है। तुम पहाड़ से बुलंदी की भीख नहीं मांग रहे हो, बल्कि दौलत की दहलीज पर ठाकुर का सिर झुकाना चाहते हो। लेकिन सुन रखो, तुम्हारी दौलत शीश महल खरीद सकती है, लेकिन शीश महल की बुनियाद रखने वाले खानदान की लाज नहीं खरीद सकती। ठाकुर साहब, हमारी निगाहों में अब भी तुम वही मजदूर हो जिसके बाप दादा ईंट और गारा उठाकर अपना पेट पालते थे। मैं तो आपके फूल से अपना घर सजाना चाहता था, इसीलिए समाज के रस्म रिवाज के खिलाफ बेटे का बाप होकर भी आपकी खिदमत में दरखास्त लेकर आया था। लेकिन इस वक्त मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। अभी और भी कुछ कहने की जरूरत बाकी है? अगर अपनी इज्जत की खैर चाहते हो तो चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से। कोई ऐसी बात तो नहीं की है मैंने ठाकुर साहब? चुप रहो, इस वक्त आप चले जाइए। Ha 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 ha!
बड़ा आया था लखपति बनकर रिश्ता मांगने। पिताजी, तकदीर की चाल और हवा का रुख इंसान के बस में नहीं होता। नाव उसी तरफ चलती है जिधर की हवा हो। जमाना हमें पीस चुका है, अब हमारे पास क्या रह गया है जो हम इतना गरूर करें? बलराम, क्या तुम्हारे सर पर गरीबी इतनी सवार हो चुकी है कि तुम अपनी खानदानी आन भी भूले जा रहे हो? आप जिसे आन समझ रहे हैं पिताजी, वो आन नहीं, एक ऐसी जिद है जो सिवाय जिल्लत और रुसवाई के हमें कुछ नहीं दे सकती। बलराम, आपकी इसी जिद ने नलिनी दीदी का जीवन बर्बाद किया, महलों से निकालकर हमें झोपड़ियों में ला फेंका। इस पर भी हमने सब्र किया, लेकिन अब आप रंजना की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते पिताजी। तो क्या तुम ये चाहते हो कि रंजना का हाथ एक मामूली मजदूर के हाथ में देकर हम अपना सर हमेशा के लिए झुका दें? अगर आप रंजना का हाथ एक मामूली मजदूर के हाथ में देने से जिल्लत महसूस करते हैं, तो उसे सुंदरमुख जैसे खानदानी शरीफ के हाथ में देकर क्या सर ऊंचा कर लिया था आपने? बलराम, आप अपनी जिंदगी के साथ जिस तरह चाहे खेल सकते हैं, लेकिन आपको यह हक हासिल नहीं कि आप अपनी औलाद की जिंदगी को भी अपने झूठे गुरूर, बेकार जिद और नाकारा उसूल पर कुर्बान कर दे। चुप रहो। सुंदरमुख, क्या तुम भी जख्मों पर नमक छिड़कने आए हो? नहीं, मैं तो सिर्फ ये पूछने आया हूं कि जिसका बाप असली राजपूत, मां राजपूतानी, उनके घर कलंक लगाने वाली बेटी क्यों कर पैदा हुई? तुम्हारा मतलब? मेरा मतलब आपकी लाडली बेटी रंजना से है, जो शीश महल की चार दीवारी में नौकरी के बहाने दुर्गा प्रसाद के लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। सुंदरमुख! पिताजी! पिताजी! तैश में ना आओ, सबूत चाहते हो तो खुद जाकर अपनी आंखों से देख लो। बड़े बोल का सर हमेशा नीचा होता है ठाकुर। नमस्ते। लिया बलराम, अब क्यों चुप हो? क्यों नहीं जहर में बुझे हुए वही तीर हमारी बेकार जिद पर चलाते, जिसने नलिनी का जीवन बर्बाद किया, जिसने महलों से निकाल कर तुम्हें झोपड़ियों में ला फेंका, जो सिवाय जिल्लत और रुसवाई के तुम्हें और कुछ नहीं दे सकी? खानदानी आन का वो अनमोल खजाना जिसे एक मजदूर के हाथ में देना हम अपनी जिल्लत समझते थे, उसी दो कौड़ी के मजदूर ने आज उसे लूट लिया। बलराम, अब तो तुम्हारे दिल की मुराद पूरी हुई, फिर क्यों चुप हो? नाचो, कूदो, खुशियां मनाओ और इस पागल बूढ़े के मुंह पर थूक दो, जिसकी बेकार जिद और नाकारा उसूलों ने औलाद की जिंदगी बर्बाद कर दी। आप किसकी बातों पर यकीन कर रहे हैं पिताजी, कि आप सुंदरमुख को नहीं जानते? मैं फिर कहता हूँ पिताजी, चांद में धब्बा हो सकता है लेकिन बहन रंजना में धब्बा नहीं हो सकता। बकवास न करो, तुम्हारी बातों पर भरोसा करके आज हमने ये दिन देखा है। अब हम समझे कि दुर्गा हमारे पास क्यों आया था। वो हमसे रिश्ता मांगने के लिए नहीं, बल्कि हमारी गैरत पर ठोकर मारने आया था। वो हमसे ये कहने आया था कि देख ठाकुर, जिस खानदानी आन को तू अपनी जान से लगाए बैठा है, आज मैंने उसे शीश महल में झंडे पर चढ़ा दिया। नहीं नहीं पिताजी, ये बात नहीं है। यही बात है बलराम, वर्ण रंजना को चढ़ने के लिए 15,000 की मोटर और 1,000 रुपए का दुशाला क्यों दिया गया था? हमारा माथा तो उसी दिन ठनका था। क्यों नलिनी, रंजना तो तुमसे पूछकर दवा लेने गई थी ना? जी हाँ पिताजी। और उसने तो तुमसे ये भी कहा होगा कि वो शीश महल में नौकर है। जवाब दो। क्यों बलराम, सर क्यों झुका लिया? तुम्हारे दोनों के सर झुका लेने से बाप का झुका हुआ सिर उठ नहीं सकता, उसे तो अब एक राजपूत की तलवार ही उठा सकती है। पिताजी हट जाओ। पिताजी, गुस्से में किसी ऐसी बात का फैसला न कीजिए, वरना हमें वो शीश महल जिसे दूध से नहलाता था, आज उसे खून से नहलाऊंगा। दुनिया को यह मानना ही पड़ेगा कि राजपूती आन पर मर मिटने वाले ठाकुर का मुंह काला नहीं, बेटी के खून से सुर्ख हो रहा है।
आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। भगवान ने दो निर्दोष दिलों को मिलाकर एक करना चाहा था, मगर ठाकुर साहब की जिद बीच में दीवार बनकर खड़ी हो गई, वरना आज दोनों घर शादियानों से गूंजते होते। शायद भगवान को ही ये मंजूर ना हो। पिताजी, खानदान के नाम पर कलंक का टीका लगाने से पहले जहर खा लेने का दावा करने वाली नामराज, ठाकुर साहब हट जाओ मेरे रास्ते से। गुस्से के जोश में आकर अंधे न बनो ठाकुर, उस चिराग को बुझाने की कोशिश न करो जिससे तुम्हारे खानदान का नाम रोशन है। चुप रहो, हम अपना भला बुरा आप समझते हैं। अगर तुम अपना भला बुरा आप समझते तो आज यूं अंधों की तरह अपने ये खून की पाकिजगी पर शक न करते, उसी खून के प्यासे बनकर यहां ना आते जिसकी शराफत पर तुम्हें नाज है। जरा सोचो ठाकुर, जिस खानदानी अजमत को बरकरार रखने के लिए तुमने अपनी वजेदारी की परवाह न की, दुनिया की शान और शौकत को ठोकर मारकर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज उसी से बदजन हो गए तुम। जिस खून का विकार कायम रखने के लिए कल तुमने हमारा हाथ गारत से झटक दिया था, आज उसी खून पर तुम्हारी तेग उड़ गई, और वो भी सिर्फ इसलिए कि हम तुम्हारी बेटी को अपनाना चाहते थे। लेकिन ये न भूलो ठाकुर कि शराफत किसी कौम या खानदान की जाति मिल्कियत नहीं है, जो विरसे में मिलती है। अगर शराफत विरसे में ही मिलती होती तो उग्रसेन जैसे धर्मात्मा के यहाँ, कंस जैसा पापात्मा और उदय सिंह जैसे कायर के यहाँ प्रताप जैसा वीर पैदा नहीं होता। जरा सोचो ठाकुर और इस अटल सच्चाई से मुंह न मोड़ो कि आज का हर शरीफ कल का ईमानदार मजदूर था, और आज का हर ईमानदार मजदूर कल का शरीफ बन सकता है। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, आओ मेरे बच्चों। पिताजी, अच्छे वक्त पर पहुंच गए, वरना बाप की आखिरी आवाज सुनने की हसरत रह जाती दिल में। पिताजी जाओ, विक्रम जाओ, ऊपर से पट्टियां ले आओ, ठाकुर साहब के सर से खून बह रहा है। दुर्गा प्रसाद, बह जाने दो इस खून को, हमें अपने खून पर शक हो रहा था, इसका बह जाना ही अच्छा है। विक्रम बेटा आओ। बेटी रंजना, तुम भी हमारे करीब आओ। इस दुनिया से गुजर जाने से पहले हम तुम्हारा रिश्ता ठहरा कर ही जाएंगे बेटी, ताकि जमाना ये न कह सके कि सुबह का भूला हुआ ठाकुर शाम को भी घर नहीं लौटा। ये हमारा खून नहीं बेटी, तुम्हारे सुहाग का तिलक है। भगवान तुम्हारा सुहाग अमर रखे। पिताजी, शीश महल तुझे आखिरी प्रणाम। हसरत तो ये थी कि ठाकुर की अर्थी इस फाटक से बाहर निकलती, लेकिन मजबूरियां जिंदा निकाल रही हैं।